ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से वन यू आई 3 का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, जो के अंदर एंड्रॉइड 9 और एंड्रॉइड 10 है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का गलेक्सी A50 के अंदर। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, आप किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो कि सैमसंग का वन यू आई टू पे रन कर रहा है उसके अंदर ये ट्रिक कर सकते हो। उसी के अंदर लगेगा कि आपने वन यू आई 3 का जो नोटिफिकेशन पैनल है उसी के अंदर काम करेगा। मतलब ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर काम करेगी, अदरवाइज आपके डिवाइस में वो काम नहीं करने वाला। वेल, यहाँ पर एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सबसे पहले वहाँ से वो फाइल डाउनलोड करनी होगी। वो फाइल अराउंड 5 MB के आसपास की होगी। डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है, मतलब वीडियो का लिंक, आप उस वीडियो को देख करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो फाइल है वो अराउंड 5 MB के आसपास की है। क्विक स्टार इस एप्लीकेशन का नाम है, ये रिसेंटली अपडेट होकर के आई है। मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। बाय द वे, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। एंड ये रहा हमारा गुड लक ऐप सूट, यहाँ पर ये विजिबल होगी कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर इसको हमें टर्न ऑन करना होगा, एंड एक नोटिफिकेशन पैनल हमें क्रिएट करना होगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा, इसको हम थोड़ा कस्टमाइज़ कर देते हैं। जो हमारा वन यू आई 3 का नोटिफिकेशन पैनल है उसमें इसको कस्टमाइज़ कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पर सारी सेटिंग कर दी है जो कि वन यू आई 3 का जो नोटिफिकेशन पैनल है एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑन कलर में ब्लू सेलेक्ट करना है, ब्लू ये वाला सेलेक्ट करो ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जो ऑफ कलर है वहाँ पर आपको सिल्वर सेलेक्ट करना है, थर्ड वाला, ऑलराइट। एंड इसके बाद में जो फॉन्ट कलर है वो आपको डीप ब्लैक सेलेक्ट करना है, कोने वाला। एंड देन यहाँ पर जो BG कलर है जो कि बेसिकली पूरा पैनल का कलर होने वाला है, वो हमें प्योर वाइट सेलेक्ट करना है, टॉप वाला। एंड यहाँ पर आपको 10% पे जो है पैनल का BG अल्फा करना है, जो कि बेसिकली थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देगा आपको। ब्लर इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है और 5 लेवल पे ब्लर इफेक्ट कर देना है। बेसिकली ये ब्लर इफेक्ट होता है सैमसंग के काफ़ी सारे स्मार्टफोन में, बट अनफॉर्चुनेटली A50 इसको सपोर्ट नहीं करता है। बट जितने भी सैमसंग के अलावा A50 में, मतलब A70 है, A70 में गेस सपोर्टेड है, तो A70 में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। एंड ये रहा हमारा नोटिफिकेशन पैनल जो कि एग्जैक्टली वन यू आई 3 का लुक दे रहा है। एंड यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वन यू आई 3 की फील आ रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा साइड बाय साइड, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। एंड ये वाला और वन यू आई 3 का जो फोटो है मैं साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके दिखा दूँगा कि कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैंने साइड बाय साइड देखा है। इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, बट मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना ही करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज उससे ज़्यादा फील आ रही है। मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने पर इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो कि थोड़ा ओड लगता है, बट ये वाला काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वेल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।